अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे स्कर्दू से व्यवसायी के लिए, और उसके लिए यहाँ पर मतलब प्राडो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, प्राडो जीप्स हैं, हमारी गाड़ी ये है। ये जो होता है ये हमारे जो पैकेज है उसमें शामिल है, इंक्लूड है, इंक्लूडिंग जो हमारा पैकेज है उसमें ये शामिल है। और देवसाई यहाँ से तकरीबन 2 घंटे तक का ट्रैवल है। अभी हम निकल गए हैं देवसाई के लिए अपने होटल से। ये हमारा होटल था स्कर्दू गेस्ट हाउस। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अस्करी सर। मोहम्मद अस्करी। मोहम्मद अस्करी हमारे भाईजान हमारे साथ ड्राइव कर रहे हैं हमारे इस पूरे ट्रिप के लिए। और इसमें हम लोग 6 पर्सन्स की मतलब इसमें गुंजाइश है। और गर्मी है स्कर्दू में अभी तो। और दिवसाई का कैसा होगा अस्करी मौसम वगैरह? दिवसाई में सर मौसम सही रहा तो यहाँ का मौसम बराबर ही होगा सर। जब उधर मौसम ख़राब होगा तो फिर उधर ज़्यादा ठंड लगेगी। ठीक है, बारिश ज़्यादा हो गया तो सर कोई 2-3-4 घंटे के बाद उधर बर्फ भी पड़ सकती है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ मौसम होता है देवसाई का। जी सर। तो ये है कि देवसाई जो है हमारा मतलब मेन प्लेस है इंशाल्लाह, और उसको हम अच्छी से एक्सप्लोर करेंगे। और हम लोग निकल गए अभी, यहाँ तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी जो है हमारी उसी पैकेज में है। बाकी स्कर्दू सिटी ये है, इसको हम अभी निकल गए यहाँ से स्कर्दू से। ये इस एरिया का नाम क्या है स्कर्दू? इस एरिया का नाम मतलब स्कर्दू है सर। एक तो ये जगह तो है संदूस है सर। संदूस। अच्छा, ये जहाँ हमारा होटल है ये संदूस का एरिया है सर। संदूस स्टेडियम एरिया। अच्छा, संदूस स्टेडियम एरिया कहलाता है जहाँ हमारा ये होटल है। स्कर्दू सिटी में ही है जी सर। अभी स्कर्दू सिटी में ही है सर। क्या कौन सा बाजार कहलाता है ये? भुट्टो बाजार। भुट्टो बाजार। भुट्टो ये जी सर, अरे भुट्टो। अच्छा, बाजार पहले इसी बाजार में विजिट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई मैं बताऊं आपको, स्कर्दू में भुट्टो बाजार है। मैंने इसे पूछा भुट्टो कौन से, जुल्फिकार अली भुट्टो, तो कह रहे हैं वो फर्स्ट टाइम यहीं पर आए थे। जी जी सर, वो यहाँ पर आए थे तो उसका नाम उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे रख दिया है। देखें जरा आप ये, और ये है पूरा बाजार। जो सीएम जो यहाँ थे पहले मेहदी शाह, उनका मतलब यहाँ पे वो भी है। जी सर, होम टाउन है ये। जी ठीक है, होटल सतपारा लेक इन वन। अच्छा, ये सतपारा लेक है बैक साइड पे, उसी के लिए यहाँ पे टक शॉप वगैरह बनी हुई है। होटल रिजर्वेशन भी है यहाँ पे। कितने कमरे इसमें? कमरे नहीं है इसमें, हॉल ही होगा सर। हाँ, तो कमरा नहीं होगा। रिजर्वेशन किसी भी करेगा। सतपारा लेक इन देवसाई रोड, सतपारा लेक स्कर्दू, सतपारा लेक इन। ठीक है भाई, ये है सतपारा लेक। बाहर तो ठंडक है भाई, जबरदस्त बेहतरीन यार। ये जब हम स्कर्दू से निकलते हैं तो तकरीबन हमें अभी निकले हुए 1/2 घंटा हुआ, तो ये सतपारा लेक आती है। ये है सतपारा लेक। इसके बारे में थोड़ा ये बता रहे थे हमारे जो ड्राइवर हैं जो यहाँ के लोकल हैं, वो ये बता रहे थे कि ये सतपारा लेक पहले ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं थी। ये जो आप मिडिल में देख रहे हैं यहाँ तक इसकी वो थी, हद थी। तो इसको मुशर्रफ दौर जो गुजरा है प्रेजिडेंट मुशर्रफ का, उसमें इस लेक को बड़ा करा गया और उसको फिर आगे शायद आई थिंक डैम बन रहा है वो।
वो आगे का हिस्सा जो है वो डैम बन रहा है, और ये बिल्कुल ये नेचुरल वाटर है, नेचुरल लेक है ये, और इसका जो वाटर है ये बता रहे हैं दियोसाई से इसका पानी आता है, मतलब ज़्यादा जो पानी का फ्लो है वो दियोसाई से ही आता है, क्योंकि दियोसाई के लिए ये पहाड़ी जो पूरा जो माउंटेन्स हैं दियोसाई की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये है सतपारा लेक, सतपारा लेक बहुत फेमस लेक है, और पहले ये बता रहे छोटी थी, अभी काफ़ी बड़े इसमें कवर एरिया इसका बढ़ गया है। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है इस पर, चिल्लम चेक पोस्ट 68, सुलसल लेक 48, काला पानी 39, बड़ा पानी 31, शैतुंग 25, अली मलिक टॉप, सतपारा तो हो गया। ये पूरी डिटेल है दियोसाई नेशनल पार्क, इसमें पूरी हिदायत दी हुई है कि इन किन चीज़ों को आप मतलब लागू होती है, विजिटर्स सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दियोसाई नेशनल पार्क। ये कहलाता है अली मलिक टॉप, दियोसाई पेंट से पहले ही, दियोसाई पेंट जो है वो तकरीबन यहाँ से भी है बाकी, ये कहलाता है अली मलिक टॉप। ये कहलाता है दियोसाई नेशनल पार्क से पहले अली मलिक टॉप। बाकी जो और भी चीज़ें रिमेनिंग हैं उस पर, बड़ा पानी 15 किलोमीटर, शिवसर लेक 35, चिलम 52, दियोसाई टॉप टू स्टोर सिटी 102 किलोमीटर। दियोसाई अली मलिक पर हम पी रहे थे कावा, आपका नाम क्या बेटा? अकील, अकील ने हमें कावा पिलाया, ये 50 रुपये का कावा है, ग्रीन टी। चाय कितने की अकील? हाँ, लिप्टन भी 50 रुपये की है और ग्रीन टी 50 रुपये की है। ये है शतुंग नाला, और इसको भी है रिवर, और ये इंडिया से आता है पाकिस्तान, और फिर ये आगे दरियाए सिंध में मतलब जाके ये जो आता है ये इंडिया से, इंडिया के लद्दाख के रास्ते से ही आता है, और ये जाता है दरियाए सिंध के लिए। ये है इसका, ये पूरा प्लेन्स है दियोसाई प्लेन्स। ये कहलाता है, ये पूरा दियोसाई प्लेन्स, ये शतुंग नाला है। असल में इनका जो मैंने जो देखा बाइक वगैरह पे, और इनकी आप थोड़ा सा मैं बाइक को भी आपको दिखाऊं, और पाकिस्तान का इनकी फ्लैग भी लगा हुआ है, इनकी मतलब ये जो चीज़ है वो तो हाई,